आज काफी नेत्रा को डराया जा रहा है, सब मिलके क्या वजह है डराने की? देखो, हम विश्वकन्या तो जब भी हमारा कोई सच जानता है तो हम उसे डराते हैं, चाहे वो राजगुरु हो या चाहे वो राजा हो या फिर चाहे कुलदीप हो, जो भी है इस महल के जितने भी लोग हैं। तो अगर कोई भी हमारा सच सामने लाने की कोशिश करेगा तो हम सीधी से बातें उसे डराएंगे। लेकिन ये जो डराने का तरीका है, ये एक्चुअली मैं भी बताना नहीं चाहती, आप टेलीकास्ट में देखिए, ये बहुत ही खौफनाक है। जो वो देखती है उसके आंसू तक निकल जाते हैं, उसकी पूरी बॉडी हिल जाती है। तो हमारे लिए तो ये छोटी सी चीज़ है, लेकिन इन लोगों के लिए बहुत बड़ी चीज़ है इस तरह का डराना। वैसे सितारा है कि विराज से प्यार करती है, तो सुरेली से शादी क्यों कराना चाहता है? नेत्रा को क्यों डराया जा रहा है? कहीं ना कहीं विराज से तो सितारा भी प्यार करती है। जी हाँ, ये तो ऑडियंस को पता है कि सितारा प्यार करती है विराज से और विराज भी करता है। हम सब बहनें, हम सबका एक एक मकसद है। हम किसी से प्यार नहीं करते, हमें अपने मकसद से प्यार है। हम अपना मकसद पूरा करना चाहते हैं इस राजवंश के खिलाफ। तो हम जो जो एक एक टारगेट है हमारा, वो हम एक एक पूरा करते जा रहे हैं। तो जब टारगेट नहीं पूरा होता है तो हमने एक सीन और भी किया जिससे हमारी दीदी अपसेट हो जाती हैं। लेकिन सुरीली को हम पुश कर रहे हैं, वो हमारा एक और एक टारगेट है पूरा करने के लिए। तो आप जब टेलीकास्ट देखेंगे तब आपको पता चलेगा। लेकिन राजमहल वालों से बदला लेते लेते कहीं ना कहीं सितारा से एक तरीके से बदला लिया जाए, अपना होते हुए सितारा को काफ़ी एक हर्ट हो रहा है। हाँ, वो हमने वैसे काफ़ी इस बारे में सीन कर चुके हैं। सितारा ऑब्वियसली अपसेट है, क्योंकि वो तो अपनी माँ के अगेंस्ट जाना उसे बुरा भी लगता है, लेकिन वो ऑब्वियसली वो अमृत है, हम विश हैं। तो विश तो जीतता ही अमृत के जब लड़ाई आती है, तो भले उसको मन में अफसोस होता है कि मैं अपनी माँ के और अपनी मासियों के खिलाफ जा रही हूँ, लेकिन जो सच है वो उसका साथ देती है। तो इस तरह से सितारा हमसे लड़ रही है। लास्टली अभी एक सीन है जिसमें क्या बोलते हैं, सितारा विराज को कन्विंस कर रही है शादी कर लेने के लिए, और यहाँ सुरेली भी अपना दांव चल रही है शादी करने के लिए। तो अभी किससे विराज की शादी होने वाली है? ये एक्चुअली जब हमने ये सुना था सीन, ये ट्रैक बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, मैं पूरा खुलासा नहीं कर सकती हूँ क्योंकि फिर आप टेलीकास्ट में क्या इन्जॉय करेंगे। सो यही है कि आप जब देखेंगे आपको बहुत मज़ा आएगा किस तरह से एक विराज के लिए दोनों लड़कियां शादी करना चाहती हैं और किस तरह से वो एपिसोड में बबाला मचता है, तूफान मचता है। सो यू मस्ट वॉच दिस एपिसोड, बिकॉज मैं खुद से हम एपिसोड्स नहीं देख पाते बिकॉज वे बिजी शूटिंग हियर। तो मैं एक्चुअली ईगरली वेट कर रही हूँ कि मैं ये टेलीकास्ट देखूँ। सो दिस विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग एपिसोड ऑफ सितारा, मस्ट वॉच। थैंक यू। जी, मुद्दा यही था कि सितारा और मैं इकट्ठे जो मेरा बदला है इकट्ठे लेंगे, बट बीच राह में सितारा को बरगला देते हैं उसके पिताजी, एंड शी डिसाइड्स टू गो अगेंस्ट मी। तो जब वो मेरा साथ छोड़ने की का डिसीजन लेती है तो आई ऑब्वियसली गेट वेरी अपसेट। तो अब निकलने के बाद, विश्लोक से निकलने के बाद, सबसे पहला चैलेंज मैं उसे यही देती हूँ कि अब मैं निकल गई हूँ और मैं करने वाली हूँ जो मुझे करना है, तो तू बचा के देख और तू मेरे प्लान को रोक के दिखा। बेसिकली आपने उसे 3 दिन का टाइम दिया है, लेकिन 3 दिन की सितारा अपने प्यार को बचाएगी, तो क्या लगता है कि वो बचा पाएगी या कहीं अपना कुछ ना कुछ ऐसा नया स्टेप लेगी? देखिए, बचा पाए ना बचा पाए, लेकिन अगर इतने अहम किरदार मर गए तो कहानी उतनी एक्साइटिंग नहीं रहेगी। तो कुछ ना कुछ तो वो करेगी, लेकिन कुछ ना कुछ हम भी करेंगे मज़ा बनाए रखने के लिए। तो इट्स जस्ट द स्टार्टिंग, ये पूरी जो दोनों तरफ से अटैकिंग जोन में हम दोनों आए हैं, उसकी शुरुआत है। आई थिंक आगे जाके इट्स ओनली गेट मोर इंटरेस्टिंग। कितना डिफिकल्ट हो रहा है काफ़ी अपने बच्चे को चाहने वाली सितारा से, आज सितारा उनसे नफरत कर रही है। तो पहले तो एक तो उनको बदला लेना है, प्लस उनको सितारा की नज़र में वापस से अपना प्यार बनाना, कितना डिफिकल्ट होने वाला है? देखिए, मुश्किल बहुत होगा, बिकॉज वो इतने साल उसने इसी बात का इंतज़ार किया था कि मेरी बच्ची आएगी और हम दोनों जब भी हमारा मिलन होगा हम दोनों अपनी रिलेशनशिप को इंजॉय करेंगे एज मदर डॉटर। लेकिन अब सितारा ने क्योंकि कुछ और चूज़ किया है तो शी इज़ ऑब्वियसली हर्ट, बट उसके लिए बदला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आई एम श्योर
दोनों चीज़ें कहीं ना कहीं मेल ज़रूर खाएंगे। लास्टली आप सितारा को कह रही थी कि विराज एक मतलब इंसान है और वो एक विश करने है, तो उसके मिलन से कोई एक नया ट्विस्ट देखने को मिलेगा या? बिल्कुल, बिकॉज वो एक विश करने है और विराज एक नॉर्मल इंसान है, तो ऑब्वियसली इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि मिलन होगा दोनों का, लेकिन उसके बाद क्या होगा, दैट इज़ फॉर। थैंक यू सो मच।